दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वावधान में इलेक्शन सेल एंड इट्स स्कोप विषयक 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ बुधवार को संवाद भवन में किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में इलेक्शन सेल की स्थापना से यहाँ के युवाओं को परंपरागत शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अगर राजनीति विज्ञान या कला का कोई छात्र अपने परंपरागत कोर्स के साथ लीडरशिप एंड इलेक्शन स्टेट्स की पढ़ाई कर लेता है तो उस छात्र को ज्यादा अहमियत मिलेगी। सेल के अंदर एकेडमिक कंसल्टेंसी ट्रेनिंग का एक मंच बनाया जाएगा जो ऑपरेशनल होने के साथ साथ सस्टेनेबल भी हो। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय ने 8C के तहत एक कंपनी को जीरो वेस्ट कैंपस के नाम से स्थापित किया है। दूसरी कंपनी स्टार्टअप के तहत इलेक्शन सेल के रूप में बनाई जाएगी। विद्यार्थी इसे चलाएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें हर संभव मदद के साथ मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। मुख्य अतिथि अमरकंटक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर CD सिंह ने कहा कि लोकतंत्र और गणतंत्र का उद्भव स्थल या क्षेत्र रहा है, इसकी रक्षा करना और बेहतर बनाना आपका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ सोशल मीडिया ने पिछले 10 वर्षों में लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है। चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में स्थापित इलेक्शन सेल अपने उद्देश्यों को हासिल करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इसके पूर्व अतिथियों ने दीप जलाकर और माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। तत्पश्चात विद्यार्थियों ने वंदे मातरम और कुलगीत प्रस्तुत किया। समापन राष्ट्रीय गीत के साथ किया गया। कार्यशाला का संचालन आयोजन सचिव प्रोफेसर विनीता पाठक ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा विशेषताएं एवं प्रस्तुति। मैं संगीत विज्ञान की छात्राओं से निवेदन करती हूँ कि आप कुल गीत अमरकंटक के संस्थापक कुल पर माननीय प्रोफेसर CD सिंह जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कला संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर नंदिता IP सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर अमित उपाध्याय जी, सभागार में
उपस्थित मेरे विभाग के वरिष्ठ सहयोगी और सिद्धांत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे जी, विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय से पधारे संकायाध्यक्ष जन, विभाग अध्यक्ष जन, मेरे शिक्षक मित्रों, इस कार्यशाला के प्रतिभागीगण, छात्र छात्राएं, मीडिया मित्रों, देवी और सज्जन, मैं विभाग की ओर से, कार्यशाला की ओर से और मेरे व्यक्तिगत ओर से आप सारे लोगों का यहाँ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले हम इस कार्यशाला के प्रेरणाता, जिसके कुशल निर्देशन में आज यह कार्यशाला इस रूप में यहाँ आया है, हमारे माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेश सिंह का यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं का प्रेरणा, मार्गदर्शन और उत्साह से हम लोग यह आयोजन आज करने में सफल हो रहे हैं और आपके लिए यह आयोजन का यह रूप देने में समर्थ हुए। सर, हम विभाग की ओर से और कार्यशाला की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम स्वागत कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर सीडी सिंह जी का, जो पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं अमरकंटक इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय का। आपने बहुत निश्चित समय में हमारे निवेदन को स्वीकार करके आज इस कार्यशाला का जो गौरव है इसको बढ़ाए हैं। सर, आपको सहे दिन से इस कार्यशाला में हम स्वागत करते हैं। I would like to express that ex-Vice Chancellor Indira Gandhi National on election cell and its score, for sparing her precious time to grace this function, Professor Lucira Mananda sir, for organizing this function and giving us opportunity to participate in it. I would like to thank Professor Vinita Pathak ma'am for her incessant guidance and inspiration for this initiative. And at last, I am extremely thankful to all the participants for the patience and cooperation for this event and those who have contributed in this function directly or indirectly. Thank you. इलेक्शन सेल जो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में स्थापना की गई है, इसमें इसका मकसद ये है कि जो आने वाले इलेक्शन 22 असेंबली इलेक्शन में हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकें, हम लोग फीडबैक दे सकें, ट्रांसपेरेंटली कैंडिडेट्स को मदद कर सकें, और ये एक फुल फंक्शनल प्रोफेशनल सेल बनेगा जो सेल्फ सस्टेनेबल होगा। इस पे आने वाले उसमें कई पीएचडी रिसर्च भी हमारे स्टूडेंट करेंगे, लेकिन साथ साथ अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ और अलग कैंडिडेट्स को फीडबैक भी देंगे कि जो जेन्युइन होगा वो, चूँकि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आ रहा है तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये इस्टेब्लिश है, मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी बड़ी जो पहले मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था, फिर स्टैनफोर्ड जो वर्ल्ड की बेस्ट वहाँ स्टार्ट हुआ था, हार्वर्ड का जो इस तरह का सेल है वो रेगुलर बेसिस पे इंडिया के अलग अलग पार्टियों में वो देता रहता है, तो जब वो वहाँ से बैठ के कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हमारे विद्यार्थी काफ़ी टैलेंटेड हैं, हम इसको करेंगे।